सो हेलो एवरीवन, आज हम परक्विजिट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। परक्विजिट्स के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि परक्विजिट्स क्या होते हैं। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट परक्विजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट फ्री अकोमोडेशन या फिर कंसेशनल रेंट पर अकोमोडेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, मोटर कार, इस प्रकार के जो कुछ इम्पोर्टेंट आपके पर्क्स होते हैं, हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन से, रेंट फ्री पर कंसेशनल रेट पर। तो व्हाट इज अकोमोडेशन? अकोमोडेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अकोमोडेशन यानी एनी प्लेस टू लिव, कोई होटल हो सकता है, आपके कोई घर हो सकता है, फ्लैट, फार्म हाउस, किसी भी प्रकार की जगह जहाँ पर एम्प्लॉय रह रहा है। अगर उसका जो रेंट है वो एम्प्लॉयर पे करता है, या फिर वो अपने उसका खुद का एम्प्लॉयर का ही ओन किया हुआ अकोमोडेशन है और उसमें वो एम्प्लॉय को रेंट फ्री रहने के लिए देता है, या फिर वो अपने एम्प्लॉय से कम रेंट लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस घर का जो एक्चुअल रेंट है, फेयर रेंट होना चाहिए उस घर का 20,000 रुपये महीना, बट सिंस वो एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर का, इसलिए उसको 8,000 रुपये महीने ही रेंट लगता है। तो जो 12,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है ना रेंट के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो जो घर है वो एम्प्लॉयर का है, वो जो प्रॉपर्टी है वो एम्प्लॉयर की है। तो उसमें जो कंसेशनल रेंट का बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, वो इसके तहत टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों तरह के रेंट की बात करेंगे। एक तो अकोमोडेशन हो जाएगा रेंट फ्री, और दूसरा हो जाएगा कंसेशनल रेंट पर। ठीक है, अब रेंट फ्री के अंदर हमें ये देखना है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया है, गवर्नमेंट या फिर अदर्स। ठीक है, कंसेशनल रेंट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो भी यहाँ पर आपके रेंट फ्री वाले की वैल्यू आएगी उसमें से जितना रेंट एम्प्लॉय दे रहा होगा उसको माइनस कर लेना है। ठीक है, कैसे करना है हम बहुत सीखेंगे। तो रेंट फ्री अगर एम्प्लॉय रह रहा है किसी जगह पर, तो जितने वैल्यू का वो घर है, यानी कि जितने उस घर के रेंट की वैल्यू होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय की सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। कंसेशनल रेंट मतलब जितना रेंट उस जगह का होना चाहिए उससे कम रेंट एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो जो डिफरेंस रहेगा जितना एक्चुअल रेंट होना चाहिए माइनस जितना वो पे कर रहा है, जो उसको बेनिफिट मिल रहा है बीच का, वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टैक्स कितना देना पड़ेगा वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकलेगी। क्लियर है? तो हमें ये पहले निकालना है, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हमें देखना है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के केस में। फिर ये जो वैल्यू आएगी इसमें से जितना रेंट एम्प्लॉय पे कर रहा है उसको माइनस कर लेंगे तो कंसेशनल रेंट का केस बन जाएगा। तो रेंट फ्री में से जब एम्प्लॉय कुछ हिस्सा पे करता है तो कंसेशनल रेंट बन जाता है, हम इसको सीखेंगे। एज द नेम सजेस्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ रेजिडेंशियल अरेंजमेंट अलॉटेड टू एन एम्प्लॉय अगेंस्ट जीरो और मिनिमल रेंट। या तो रेंट ले ही नहीं रहा जो एम्प्लॉयर है वो, या फिर बहुत कम रेंट ले रहा है। ठीक है, एन एम्प्लॉय ऑफर्स दिस परक्विजिट टू हिज कंपनीज एम्प्लॉयज। रेंट फ्री अकोमोडेशन कैन इंक्लूड अ फ्लैट, गेस्ट हाउस, होटल, सर्विस अपार्टमेंट, किसी भी प्रकार का घर हो सकता है। तब यहाँ पर जो अकोमोडेशन मिला है वो अकोमोडेशन दो तरह का हो सकता है, या तो फर्निश्ड या फिर अनफर्निश्ड। अकोमोडेशन में दो तरह का होगा, फर्निश्ड होगा या फिर अनफर्निश्ड होगा। ठीक है, तो फर्निश्ड का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। आप फर्निश्ड यानी हैविंग फर्नीचर, फर्निश यानी हैविंग
फर्नीचर। अब यहाँ पे फर्नीचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेबल कुर्सी से नहीं है, यहाँ पर जो फर्नीचर का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ टेबल कुर्सी नहीं है, फर्नीचर का यहाँ पर मतलब है सारे अप्लायंसेस जो घर में यूज़ हो सकते हैं, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, टेबल एंड चेयर, सोफा, कबर्ड्स, या फिर अदर अप्लायंसेस। मतलब कि टेलीविजन, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, म्यूजिक सिस्टम, ये सब भी आपके फर्नीचर के अंदर आते हैं जब हम बात करते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन की। तो फर्निश्ड को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ टेबल, चेयर, सोफा, बेड, कबर्ड इन सब से नहीं। जो आपके फर्नीचर की डेफिनेशन है उसमें टेलीविजन भी कवर होगा, एयर कंडीशनर भी कवर होगा और बाकी के अलग अलग अप्लाइंसेस भी कवर होंगे। तो जितनी भी चीज़ें आपको फ्लैट के अंदर लगी हुई मिली है वो सारी की सारी आपकी फर्नीचर की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। समझ आ रहा है आपको? तो फर्निश्ड का मतलब है इनमें से कुछ भी अगर लगा हो तो वो सारी चीज़ें, और अनफर्निश्ड मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है। बिल्कुल खाली फ्लैट दिया था अगर, बाकी सब एम्प्लॉय लेकर आए अपने पैसों से, तो वो अनफर्निश्ड होगा। ठीक है, तो दोनों तरह के जो अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है, फर्निश्ड भी और अनफर्निश्ड भी। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन का टैक्सेबिलिटी समझना। देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, ग्रॉस और नेट, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने, आपको याद है जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ रहे थे? तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए और नेट से ग्रॉस हो जाने के लिए एक सिंपल सा एडजस्टमेंट हम करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस डेप्रिसिएशन, याद है आपको? तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर लेंगे। तो अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर लेंगे। ठीक उसी तरह से आपको अगर फर्निश्ड से अनफर्निश्ड की बात करते हैं, आपको अगर अनफर्निश्ड से जाना है फर्निश्ड पर, तो आपको बस क्या ऐड कर लेना है यहां पर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो हम पढ़ेंगे टैक्सेबिलिटी अनफर्निश्ड की, और उस अनफर्निश्ड के अंदर जब वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर लेंगे तो अनफर्निश्ड क्या बन जाएगा, फर्निश्ड। इसलिए पढ़ हम ये वाला रहे, इसके अंदर बस फर्निश बनाने के लिए हमको वैल्यू ऑफ फर्नीचर तो ऐड करनी है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है हम इसको पढ़ेंगे, इससे जब हमें कंसेशनल रेंट पर जाना है तो हमें क्या सिर्फ इसके अंदर ऐड करना है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, इसकी वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। समझो? तो अगर हम सिर्फ रेंट फ्री में से रेंट जितना पे कर रहा है एम्प्लॉय उसको माइनस कर लेंगे तो कंसेशनल रेंट बन जाएगा। मतलब कि एम्प्लॉय रेंट तो पे कर रहा है मगर कंसेशनल रेट पे कर रहा है, एक्चुअल से कम कर रहा है। तो हमें पढ़ना ये वाले चीजें, रेंट फ्री और अनफर्निश्ड। हम जैसे ही फर्नीचर की वैल्यू ऐड करेंगे फर्निश्ड का टैक्सेबिलिटी सीख जाएंगे, जैसे ही रेंट पेड माइनस करेंगे कंसेशनल की टैक्सेबिलिटी सीख जाएंगे। क्लियर है? इसका मैं दो चार एग्जांपल करवाऊंगा आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। और चलिए, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम बात कर रहे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो भी अनफर्निश्ड वाला। ठीक है, तो इन दोनों को हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद अनफर्निश्ड से फर्निश्ड पे कैसे जाना है, रेंट फ्री से कंसेशनल पे कैसे जाना है, वो हमने देख लिया है।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले सेक्टर की। तो ये अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन यहाँ पर दो तरह का हो सकता है, या तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया या फिर अदर्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही दिया गया। गवर्नमेंट में क्या होता है ना, जो भी इनके सेक्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स बोल लो या फिर इनके जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो रहने के लिए जगह मिलती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रहने के लिए जो सेक्टर्स जो क्वार्टर्स मिलते हैं, उन क्वार्टर्स की एक लाइसेंस फीस होती है। उन क्वार्टर्स की क्या होती है, एक लाइसेंस फीस होती है। तो लाइसेंस फी गवर्नमेंट अपने क्वार्टर के हिसाब से तय करती है। तो जितनी लाइसेंस फीस होगी ना, लाइसेंस फीस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ परक्विजिट। लाइसेंस फीस इज़ द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि कितने रुपए का रेंट का बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, जितने इस गवर्नमेंट क्वार्टर की लाइसेंस फीस है। ठीक है, लाइसेंस फीस इज़ द, आप इसको मान सकते हो रेंट के जैसा। तो जितनी लाइसेंस फीस उस जगह की होगी, उतने रुपए का मानेंगे कि रेंट का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई रेंट फ्री की, ये तो बात हो गई रेंट फ्री की, कि जितनी लाइसेंस फीस होगी उस घर की, उतना उसको बेनिफिट मिल रहा है और उतना उसकी सैलरी के अंदर जुड़ जाएगा। अब जब इसमें से हम माइनस करते हैं, इसमें से अब जब हम माइनस कर देंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, जब हम इसमें से माइनस कर देंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो जो अमाउंट हमको बचेगा वो बचेगा कंसेशनल रेंट। हमको बचेगा कंसेशनल रेंट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो है, ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, मिस्टर ए इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इनको रहने के लिए मिल रहा है क्वार्टर, इनको रहने के लिए मिल रहा है क्वार्टर, जिसके जो लाइसेंस फीस है, लाइसेंस फीस है फॉर एग्जाम्पल, हम रेंट के इक्विवेलेंट इसको समझते हैं कि 20,000 पर मंथ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी हो गई रेंट फ्री अकोमोडेशन की, मान लेते हैं गवर्नमेंट इनसे कुछ भी पैसा नहीं ले रही है इसका, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 इंटू 12, तो साल भर की इनकी सैलरी में कितने रुपए जुड़ जाएंगे, 2,40,000 रुपये। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट इनसे थोड़ा सा रेंट ले रही है, माइनस रेंट पेड। अब वैल्यू तो उस घर की 20,000 रुपये पर मंथ है, बट ये रेंट पे करते हैं एट द रेट 8,000 पर मंथ के हिसाब से, ये रेंट पेड करते हैं 8,000 पर मंथ के हिसाब से। मतलब जो 20,000 रुपये का महीने का जो घर है, वो इनको 8,000 रुपये में गवर्नमेंट ने दे रखा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। तो इसका जो अमाउंट होगा 96,000, 8,000 इंटू 12, उसको इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो 1,44,000 वैल्यू बची, ये कंसेशनल रेंट के बाद इनकी हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू, ये इनकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट है। तो ये 2,40,000 इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। और अगर वो रेंट दे रहे हैं तो 144 इज द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। ठीक है, तो अगर कुछ भी पैसे नहीं दे रहे हैं तो पूरे जितने भी उस घर के रेंट की वैल्यू है वो पूरा रेंट फ्री अकोमोडेशन बन जाएगा, और अगर वो उसका कुछ रेंट दे रहे हैं तो वो कंसेशनल रेंट बन जाएगा। उसमें से हम बस इतना सा माइनस करना है जितना वो पे कर रहे हैं, उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कंसेशनल रेंट के अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी। तो अगर मिस्टर ए पूरी तरह से रेंट फ्री अकोमोडेशन में रह रहे हैं, रेंट पे ही नहीं कर रहे कुछ भी, तो जितनी लाइसेंस फीस होगी उस गवर्नमेंट क्वार्टर की,
पूरी की पूरी लाइसेंस फीस साल भर की उनकी हो जाएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू उनकी सैलरी में जुड़ जाएगी। बट अगर वो थोड़ा सा रेंट पे कर रहे हैं तो जितनी वैल्यू थी लाइसेंस फीस की माइनस जितना रेंट पे उन्होंने किया, बची हुई वैल्यू उनकी वैल्यू हो जाएगी कंसेशनल रेंट पर अकोमोडेशन की। समझ में आ गया? तो हमें ये निकालना है, बस ये सीख लिया। तो माइनस कर दो जितना रेंट पे कर रहे हैं, वो वैल्यू जो बचेगी आ जाएगी कंसेशनल रेंट। अच्छा, दिस वॉज द केस ऑफ अनफर्निश्ड। ये अनफर्निश्ड का केस था, ठीक है? हम फर्निश्ड वाला सीखेंगे अभी। तो आपको गवर्नमेंट का तो समझ में आ गया। अदर्स के अंदर दो केस होते हैं, अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और रेंटेड बाय एम्प्लॉयर। प्राइवेट सेक्टर में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो घर जो एम्प्लॉयर को रहने के लिए दिया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या उसने भी रेंट पे ले रखा है, ठीक है? तो हमें ये देखना है कि वो जो घर एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है वो एम्प्लॉयर का है या नहीं है। क्लियर है? अगर वो घर एम्प्लॉयर का है जिसमें एम्प्लॉय रह रहा है, अगर वो एम्प्लॉयर का घर है तो हमें यहाँ पर जो टैक्सेबल वैल्यू निकलेगी, अब वो कैसे निकालोगे? अगर जो जिस घर के अंदर एम्प्लॉय रह रहा है वो घर एम्प्लॉयर का ही है और वो उससे कोई रेंट नहीं ले रहा एम्प्लॉयर, तो क्या मानोगे कि उस घर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने रुपए का रेंट का बेनिफिट मिल रहा है? जैसे ये जो व्यक्ति है ये एम्प्लॉयर है, इसके पास एक घर था, इस घर को इसने अपने एम्प्लॉय को दे दिया रहने के लिए, ठीक है? अब ये इससे कोई भी रेंट नहीं रहता, ये जो अकोमोडेशन है वो है रेंट फ्री। तो मुझे बताओ एम्प्लॉय को कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉय को कितने रुपए का बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि घर तो एम्प्लॉयर का है, मतलब कोई भी पेमेंट इस घर के अगेंस्ट कहीं भी नहीं हो रहा, तो घर के जो रेंट की वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? एक तरीका हो सकता है फेयर मार्केट वैल्यू ले ले। एक चीज़ आप ये सोच सकते हो कि रेंट की जितनी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी के केस में पढ़ा था, वैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर। बट ये वाला चीज़ नहीं होती यहाँ पर। आपको ये कैसे निकालोगे कि कितने रुपये का बेनिफिट है, वो निकलता है सिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से। ये निकलता है सिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अगर एम्प्लॉयर का खुद का अकोमोडेशन है और वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये देखना पड़ेगा कि उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है जहाँ पर अकोमोडेशन मिला हुआ है। हमारे देश में लेटेस्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। पहले 10-10 साल में होता था, 1991, फिर 2001, फिर 2011, अभी 2011 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। तो हमें ये देखना है कि उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। अगर जो अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर का ओन किया गया है और वो एम्प्लॉय जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हमें ये नहीं देखना है कि उस घर के रेंट कितना होना चाहिए। हमको ये देखना है कि उस घर का जो शहर के अंदर वो घर है उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है। और पॉपुलेशन कैसे पता चलेगी? 2011 में लास्ट हमारे देश में सेंसस हुआ था, जिसमें सिटी वाइज हमें बताया गया कि शहर की कितनी पॉपुलेशन है। तो 2011 के हिसाब से उस शहर की जितनी पॉपुलेशन थी, हमें उसके हिसाब से देखना है कि कितने रुपए की वैल्यू इस घर की है। क्योंकि जिस सिटी के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जनरली ये देखा गया है कि बड़े शहरों में जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। जैसे मुंबई की आप बात करो, मुंबई में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं उन शहरों के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप मुंबई की बात करो, मुंबई की जनसंख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। मुंबई, दिल्ली, जो उत्तर प्रदेश की क्राउडेड सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये तो हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ हो गए, इनके पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके अलावा जो आप दूसरे शहर देखोगे, बेंगलुरु है जैसे, गुजरात की जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो तमिलनाडु की बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे बेंगलुरु है, नोएडा है, गुड़गांव है, इन एरियाज़ की ये बहुत डेवलप्ड रीजन्स है और इसीलिए इनके पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है।
जितना डेवलपमेंट होगा उतने ज़्यादा लोग शहर के अंदर रहने आते हैं, तो बड़े जो शहर होते हैं उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, और ये देखा गया है कि वो शहर रहने में महंगे भी होते हैं। मतलब अगर आप किसी बड़े शहर में जाके रह रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा। अगर आप किसी छोटे शहर में हो तो वहाँ पर जनरली इतना खर्चा नहीं होता, कम सैलरी में इंसान रह लेता है। जैसे अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में अगर किसी की सैलरी 20 से 25 हज़ार के आसपास है तो वो ठीक ठाक लाइफ जी लेगा। बट अगर आप बॉम्बे में रहने जाओगे 20-25 हज़ार की सैलरी में तो वहाँ पर भी बहुत कम होती है। बेंगलुरु में रहने जाओगे 20-25 हज़ार की सैलरी में तो वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपके हाथ में इन हैंड पैसा ज़्यादा बचे। इसलिए आप देखो इन शहरों के अंदर पॉपुलेशन 10 लाख लोगों से कम है, जिन जिन आपके शहरों के अंदर 10 लाख से कम लोग रहते हैं वहाँ पर आपकी सैलरी का 15% मान लिया जाएगा कि आपको रेंट का बेनिफिट मिल रहा है। तो लेस देन 10 लाख में सैलरी का 15% मान लिया जाएगा कि आपको रेंट का बेनिफिट मिल रहा है। वहीं अगर जो शहर में आपको घर मिला है उसकी जनसंख्या 10 लाख से 25 लाख के बीच है, 10 लाख से 25 लाख से बीच है, तो 10% आपकी सैलरी का मान लिया जाएगा आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का बेनिफिट मिला है। और अगर किसी शहर की जनसंख्या 25 लाख लोगों से भी ज़्यादा है तो वहाँ पर आपकी सैलरी का 7.5% जो है वो आपकी टैक्सेबल कट। और अगर किसी शहर के अंदर 25 लाख लोगों से ज़्यादा की जनसंख्या है तो 7.5% माना जाएगा कि आपकी सैलरी का बेनिफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वही मिस्टर है, ये एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, ये एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। इनकी जो सैलरी है वो है 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, अब ये सैलरी की डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। सैलरी का मतलब है यहाँ पर बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस बोनस प्लस फी प्लस कमीशन सभी तरह का प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो आपको बेसिक सैलरी लेनी है, उसके अंदर डियरनेस अलाउंस वो वाला ऐड करना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट फॉर्म होता है, कट उसमें डीएनएस अलाउंस का वो वाला पार्ट ऐड करना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। देन बोनस फीस कमीशन सभी तरह का पेमेंट आपको सैलरी में जो जो मिल रहा है ना सभी चीज़ों का आपको ऐड करना है, बट कौन से टैक्सेबल अलाउंसेस को। कोई अगर आपका ऐसा पार्ट है जो आप टैक्स नहीं दे रहे हो जिस पे, जैसे अलाउंसेस के अंदर हमने पढ़े थे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, फॉर एग्जाम्पल हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था हमने, तो हाउस रेंट अलाउंस के अंदर जितना आपका टैक्स वाला पार्ट है वो आपको ऐड करना है। ठीक है, टैक्सेबल वाले अलाउंसेस, एग्जेम्प्ट अलाउंस को ऐड नहीं करना सैलरी के अंदर। तो सैलरी के अंदर सभी तरह के पेमेंट आ जाएंगे, बस डियरनेस अलाउंस के अंदर वो वाला पार्ट नहीं आएगा जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, और आपके एग्जेम्प्ट अलाउंसेस नहीं आएंगे। परक्विजिट भी सारे आएंगे बट वो परक्विजिट नहीं आएंगे जो आपके टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका अभी जो आप रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ रहे हो वो तो जाहिर सी बात आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर सैलरी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ते थे, सबसे पहले हमने एचआरए में पढ़ा था सैलरी का कॉन्सेप्ट, कि इसके अंदर था बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे कमीशन भी सभी तरह का है, डियरनेस अलाउंस सेम है, बेसिक सेम है, कमीशन फिक्स परसेंटेज की जगह सारे तरह का कमीशन ऐड करना है। बोनस और फीस पहले नहीं होता था, इसमें बोनस और फीस भी इंक्लूड होगा सैलरी के अंदर, और सारे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए के अंदर सभी एग्जेम्प्ट चीज़ों को छोड़कर सभी टैक्सेबल चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए के अंदर अभी सब टैक्सेबल ही है, जैसे बोनस है, बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, और फीस है, कमीशन है, सब मिला के 1 लाख रुपये इनको मिलते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए की इनको सैलरी मिली है, 1 लाख रुपए की इनको सैलरी मिली है, और इनका जो घर है वो एम्प्लॉयर से मिला हुआ है।
जो इनके एम्प्लॉयर हैं उन्होंने इनको दे रखा है रेंट फ्री एकोमोडेशन। और जो अकोमोडेशन है इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब हम बात करते हैं इनको अगर ये जो घर मिला है वो मिला होता सिटी ए के अंदर, सिटी बी के अंदर या फिर सिटी सी के अंदर। सिटी ए की पॉपुलेशन है 7 लाख, सिटी बी की पॉपुलेशन है 18 लाख और सिटी सी की पॉपुलेशन है 28 लाख। तो अब हमें देखना है कि इनके रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी होती। अगर 7 लाख की पॉपुलेशन है तो 1 लाख का 15% यानी कि 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। सिटी बी में है 18 लाख रुपये यानी कि 10%, यहाँ पे इनकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू होती 10,000 रुपये पर मंथ। और सिटी सी में 28 लाख है तो यहाँ पे इनके रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू होती 7,500 रुपये पर मंथ। तो समझ लो यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। वहीं पर अगर इनका कुछ रेंट जो है वह एम्प्लॉयर ने रिकवर कर लिया, मान लेते हैं ये रह रहे हैं सिटी बी के अंदर जहाँ की पॉपुलेशन है 18 लाख, तो इसके अंदर इनकी सैलरी के अंदर 10,000 रुपये मान लिया जाएगा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का बेनिफिट है। ये रेंट पे करते हैं ये रेंट पे करते हैं 5,000 रुपये महीना। तो इनकी जो कंसेशनल रेट के अकोमोडेशन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5,000 रुपी पर मंथ इंटू 12। साल भर की इनकी सैलरी के अंदर 60,000 रुपये का परक्यूजिट जोड़ दिया जाएगा, क्लियर है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है, आपको अगर रेंट फ्री से कंसेशनल रेंट पे जाना है तो जितना रेंट पे किया है उसको माइनस कर दो, क्लियर। ये तो केस हो गया जब अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब अगर एम्प्लॉयर का भी नहीं, एम्प्लॉयर ने भी रेंट पर लेके दे रखा है एम्प्लॉय को, तो हो जाएगा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, मतलब कि अब इसी केस के अंदर देख लेते हैं। जी भैया आईटी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, इसके अंदर एक चेंज है, इस बार जो एम्प्लॉयर ने उनको घर दिया एम्प्लॉयर ने खुद ने किराए पे लिया था, एम्प्लॉयर इज पेइंग रेंट एट द रेट केस ए और केस बी 20,000 पर मंथ और 12,000 रुपये पर मंथ। तो इन दोनों केसेस में देखना है कि इनके वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना होगा। केस ए की बात करते हैं, हमें यहाँ पे कहा गया था कि अगर जो अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने भी रेंट पे लेके दिया है एम्प्लॉय को, तो दो चीज़ देखेंगे, वो कितना रेंट पे कर रहा है और एम्प्लॉय की सैलरी का 15% कितना होता है, दोनों में से जो कम होगा उसको मान लेंगे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है। तो रेंट पेड कितना है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 2,40,000 साल भर का, 15% ऑफ सैलरी कितना है 12 लाख इंटू 15%, जगह 1,80,000। तुम जो बताओ एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर कितना जुड़ेगा, विच एवर इज लोअर, तो ये नहीं जुड़ेगा, हम एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर जोड़ेंगे 1,80,000 क्योंकि वो कम अमाउंट है। वही केस बी होता अगर,
यहाँ पे कितना है रेंट? 12,000 पर मंथ के हिसाब से 1,44,000, और 15% तो सैलरी फिक्स है एम्प्लॉय की, ये 1,80,000। अब यहाँ पे कितना जुड़ता है एम्प्लॉय की सैलरी में? अब यहाँ इसको हटा देते हैं, ये यहाँ पे 1,44,000 सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे, तो दोनों में से जो भी कम हो। क्लियर है? अच्छा, अब अगेन सेकेंड वाले केस के अंदर रेंट लेता है कुछ अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन 1,44,000 माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, मान लेते हैं 5,000 पर मंथ के हिसाब से साल भर में उसने 60,000 रुपये का रेंट पे कर दिया, तो यहाँ पर जो 84,000 की वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी उसकी कंसेशनल रेंट की वैल्यू सैलरी के अंदर जुड़ने के लिए। क्लियर है? तो हमें तीनों केस आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो हमें देखना है उस गवर्नमेंट क्वार्टर की लाइसेंस फीस कितनी है। लाइसेंस फीस जितनी भी होगी उसमें से माइनस कर दो रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, जो बचेगा वो कंसेशनल रेंट की वैल्यू। ये जनरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। आपको क्वेश्चन में ये देना पड़ेगा लाइसेंस फीस कितनी है, तब लाइसेंस फीस में से रेंट पेड माइनस करके आंसर निकालना कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए ये वाले क्वेश्चन जनरली नहीं आते, क्वेश्चन में आपको आएंगे अदर्स वाले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस। वहाँ पर अगर जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का घर है जो उसने एम्प्लॉय को दे रखा है रहने के लिए, तो वहाँ पर हमें देखना है सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। 10 लाख या उससे कम हुई तो 15%, 10 लाख से 25 लाख के बीच हुई तो 10%, और 25 लाख से ज़्यादा हुई तो 7.5% सैलरी का मान लेंगे कि वैल्यू ऑफ रेंट है। ने भी रेंट पे लेके दे रखा है एम्प्लॉय को घर, तो वहाँ पे दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है और सैलरी कितने हैं एम्प्लॉय की उसका 15%। उन दोनों में से जो भी छोटा अमाउंट होगा, जो भी कम अमाउंट होगा, वो मान लेंगे कि रेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एम्प्लॉय को बेनिफिट है। अब बात करते हैं फर्निश्ड की। इन तीनों केसेस के अंदर हमको समझ में आ गया फर्निश्ड के अंदर एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। ये तो था अनफर्निश्ड की बात। अब अगर हमें फर्निश्ड को समझना है, हमें समझना है फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो अबव यहां तक तो यूज करना ही है, प्लस फर्निश्ड के अंदर भी दो तरह की वैल्यू हो सकती है। फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का खुद का है, फर्नीचर अगर एम्प्लॉयर का खुद का है, ओन्ड के अंदर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देना, और अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने भी रेंट पे ले रखा है तो रेंट पेड, सिंपल रेंट पेड, कोई सैलरी का परसेंटेज नहीं। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कट एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। मिस्टर रमेश है, ये काम करते हैं एबीसी एंटरप्राइजेस के अंदर। ठीक है, एबीसी एंटरप्राइजेस ने इनको दे रखा है एक अकोमोडेशन, ठीक है, जो एबीसी एंटरप्राइजेस का ओन है। ठीक है, एबीसी एंटरप्राइजेस का खुद का अकोमोडेशन है जो इन्होंने मिस्टर रमेश को रहने के लिए दे रखा है। ये है दिल्ली के अंदर रहते हैं, और जो फर्नीचर है वो दोनों केस के अंदर आपको निकालना है। ओन्ड है फर्नीचर की जो वैल्यू है, फर्नीचर जो वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए का फर्नीचर घर के अंदर लगा हुआ है सभी चीज़ों को मिलाकर, और दूसरा केस होगा फर्नीचर भी रेंट पे ले रखा है जिसके
5,000 रुपये पर मंथ का फर्नीचर का किराया देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी पूरी तरह से रेंट फ्री नहीं है। रमेश पेज रेंट ऑफ 10,000 फॉर अकोमोडेशन एंड 2,000 फॉर फर्नीचर, ठीक है। और जो रमेश की सैलरी है, रमेश की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इनके टोटल सैलरी के अंदर कितने रुपए का परक्विजिट की वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो रेंट जितना है फर्नीचर का पे कर रहे हैं, वो इनकी फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। जैसे 2,000 रुपये जो रेंट पे कर रहे हैं ना फर्नीचर का, वो अगर इनकी फर्नीचर की जो भी वैल्यू होगी वो उसमें से माइनस होएगा। जैसे हम कंसेशनल रेंट में करते थे ना, जितना वैल्यू बन रही है माइनस जितना रेंट पेड है, फर्नीचर में भी सेम केस होता है। नहीं तो काम करो, इसको आप कर लो 5,000, चलिए इसको पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर हम सॉल्व करते साथ में। चलिए, आई होप आपने स्टार्ट किया होगा। अगर आपको कोई इशू आया तो हम उसको एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपसे हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा वाला केस लगेगा। हमारे पास 3 केस हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट के अंदर अकोमोडेशन ओन्ड बाय कंपनी है, या प्राइवेट के अंदर रेंटेड बाय कंपनी है। तो जो एम्प्लॉयर है, अगर उसका खुद का है प्राइवेट सेक्टर में, अब ABC एंटरप्राइजेस हमको नाम तो समझ में आ रहा है कि ये कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और दूसरी बात क्वेश्चन में लिखा होता है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी होती तो ये प्राइवेट का केस है। प्राइवेट के अंदर 2 केस होते हैं, अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड रेंटेड बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला केस है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या देखना है, सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। और सिटी कौन सी दे रखी है, सिटी दे रखी है दिल्ली, और दिल्ली में आपको पता है कोई 25 लाख से कम लोग तो रह नहीं रहे होंगे, इंदौर में 25 लाख से ज़्यादा है, तो दिल्ली के अंदर तो जाहिर सी बात है 25 लाख से ज़्यादा लोग ही रह रहे होंगे। तो सबसे पहले हम रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एज पर पॉपुलेशन, अगर लेस देन या इक्वल्स टू 10 लाख हुई तो 15% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 25 लाख के बीच हुई तो 10% ऑफ सैलरी, और मोर देन 25 लाख हुई तो 7.5% ऑफ सैलरी। और दिल्ली कौन से केस में आएगा, इस वाले केस के अंदर आएगा। तो इनकी जो महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए इंटू 7.5% इंटू 12, जो कि आता है हमारे पास 90,000, क्लियर है। 90,000 इज द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 90,000। क्या पूरी तरह से रेंट फ्री है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये 5,000 रुपये महीने का रेंट पे कर रहे हैं यहाँ पे। तो 5,000 का जो रेंट पे कर रहे हैं उसको माइनस कर लेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, क्योंकि इतना तो एम्प्लॉय ने रेंट पे करा है ना, बेनिफिट का मिला उसको, बेनिफिट उसको वो मिलेगा जो उसने रेंट पे नहीं करा। तो 90,000 की वैल्यू थी, 60,000 उसने पे करा, 30,000 रुपये का उसको पे नहीं करना पड़ा, ये उसका बेनिफिट है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे घर की वैल्यू अनफर्निश्ड, अब उसमें फर्नीचर भी लगाया हुआ है, हमें दोनों केस के अंदर वैल्यू निकालनी है। ओन फर्नीचर और रेंटेड फर्नीचर, ओन फर्नीचर के अंदर वैल्यू आएगी, देखो
सबसे पहले तो जितने आपकी 30,000 वैल्यू आई है वो तो दोनों में कॉमन रहेगी, प्लस अब ओन फर्नीचर के अंदर ये देखा जाता है कि फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है एम्प्लॉयर के हाथ में, यानी एम्प्लॉयर ने फर्नीचर कितने का खरीदा था। 5 लाख रुपए कॉस्ट है और उसका 10% हमारी वैल्यू जो हमने पहले देखी थी, यानी कि 5 50 जो 5 लाख के उसका 10% 50,000, 50,000 रुपीज़ इसके अंदर साल भर के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ये हो जाएगी 80,000। अब ये कुछ पे कर रहे हैं क्या फर्नीचर के लिए? ये 2,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं, तो माइनस 24,000 रुपये। जो इनकी बची वैल्यू बची 56,000, ये इनके टोटल वैल्यू है फर्निश्ड कंसेशनल रेंट पे मिले हुए अकोमोडेशन की। तो फर्नीचर की वैल्यू ऐड करी, आप यहाँ पे भी खैर माइनस कर सकते हैं 24, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आती 26,000। 26 + 30 वही 56 पे पहुँचते हैं। बट अगर रेंटेड फर्नीचर है तो रेंटेड फर्नीचर में ये देखेंगे एम्प्लॉयर को कितना रेंट पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं एम्प्लॉयर 5,000 रुपये पर मंथ, तो 5,000 × 12 60,000 रुपये का रेंट एम्प्लॉयर फर्नीचर का दे रहा है, तो वह एम्प्लॉयर की सैलरी में जुड़ेगा 90,000, माइनस अगेन वही 24,000 जो रिकवर हो गए फर्नीचर के। जो बची वैल्यू है 66,000 की, वो बन जाएगी एम्प्लॉय की सैलरी के परक्विजिट। समझ में आया? इस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सबसे पहले ये देखना है कि केस कौन सा है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। प्राइवेट के अंदर एम्प्लॉयर का ओन किया गया अकोमोडेशन है या फिर रेंटेड है। अगर ओन किया गया तो पॉपुलेशन के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे माइनस जितना रेंट पे कर दिया। अगर रेंटेड है तो रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर और सैलरी का 15% कितना है, दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी वो माइनस कितना एम्प्लॉय ने रेंट पे कर दिया वो वैल्यू हो जाएगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की। ठीक है, जितना रेंट पे कर दिया माइनस कर लिया आपने, ये आ जाएगा कंसेशनल रेंट की वैल्यू। अब उसमें फर्नीचर भी है अगर, तो फर्नीचर में ये देखना है कि फर्नीचर खुद का है या फिर रेंट पे लिया गया है। खुद का हुआ तो कॉस्ट का 10%, और अगर रेंट हुआ तो जितना एक्चुअल एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है फर्नीचर को पूरा ऐड कर देना। ठीक है, इसमें से माइनस होगा रेंट के लिए कुछ अगर रिकवर कर ले एम्प्लॉय से, तो जो पूरा प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल परक्विजिट की वैल्यू होगी। समझ में आया आपको? याद इसको आप एक बार ध्यान से देख लो, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आपको आई थिंक क्लियर है। अब एक और केस बचा है इस सेम टॉपिक के अंदर, अकोमोडेशन इन अ होटल। तो अगर होटल के अंदर आपको अकोमोडेशन दिया गया है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो समझना है। अब एक तो आप होटल को मान सकते हो कि वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आप रेंटेड बाय एम्प्लॉयर के अंदर ले जा सकते हो। बट यहाँ पर होटल के अंदर सिंस एक अलग आपको क्लॉज दिया हुआ है तो आप उसमें नहीं ले जाओगे, इसका कैलकुलेशन अलग होगा। अगर ये फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो एज यूजुअल एग्जेम्प्ट, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 24% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ अकोमोडेशन। यानी कि अगर 15 दिन रुके होटल के अंदर, मान लेते 40 दिन रुके तो कट, यानी कि अगर 10 दिन रुके होटल के अंदर, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन रुके होंगे ना उतने दिन की सैलरी का 24%, ये इसको मान लिया जाएगा कि होटल की जितना भी आपका स्टे है उसकी वैल्यू है। अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो कोई परक्विजिट का सवाल ही नहीं उठता। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं तो वहां पर आपको इस प्रकार से 24% ऑफ सैलरी को ऐड करना है उसके वैल्यू ऑफ परक्विजिट के अंदर। ठीक है,
जिसके अंदर एक रिलीफ मिलता है एम्प्लॉय को। एक छोटा सा रिलीफ क्या है कि अगर अकोमोडेशन जो है वो देने का जो रीज़न है वो ट्रांसफ़र है। अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र किया गया है जिसके कारण उसको जब तक नए एरिया के अंदर घर नहीं मिल जाता तब तक उसको होटल में रहने की व्यवस्था एम्प्लॉयर ने कर दी है। तो अगर ट्रांसफ़र के लिए होटल के अंदर रुकवाया गया है तो अप टू 15 डेज, 15 दिनों का जो है वो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो अगर ट्रांसफ़र से रिलेटेड अकोमोडेशन दिया है होटल के अंदर तो 15 दिन तक टैक्स फ्री है। 15 दिन के बाद जैसे 16वां दिन आएगा तो उसके बाद पर डे जितना चार्ज होटल का लगेगा उसके ऊपर उनको टैक्स देना है। किस प्रकार से? अपनी सैलरी का 24% उतने दिनों के लिए। मान लेते हैं कि वो 20 दिनों तक रहे होटल के अंदर, ट्रांसफ़र था, तो 20 में से 15 दिन तो टैक्स फ्री है उनके। सिर्फ 5 ही दिन तक उनको उन 5 दिन की सैलरी का 24% जो रहेगा वो अपने परक्यूजिट के फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सैलरी है 30,000 पर मंथ और ट्रांसफ़र के केस में 10 दिन तक रुके होटल के अंदर और 20 दिन तक रुके, तो अब 10 दिन में तो हमको पता है कि टैक्स फ्री हो जाना है क्योंकि 15 दिन से कम है तो नो टैक्स, ये टैक्सेबल सैलरी में जुड़ेगा ही नहीं। 20 दिन रुके अगर, तो 20 दिन रुकने के ऊपर 15 दिन जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो 5 दिन है बचे हुए, अब 30,000 रुपये पर मंथ है यानी कि पर डे की सैलरी कितनी आ गई 1,000 रुपये, तो उनको देना है 240 इंटू 5, 1,200 रुपये उनकी सैलरी के अंदर जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो 1,000 रुपये पर डे की सैलरी है इंटू 24%, 240 रुपये, 5 दिन तक रुके तो 1,200 रुपये उनकी सैलरी के अंदर जुड़ जाएगा। तो ये होटल के अंदर ये केस होता है। बाकी अगर आपका परमानेंट अकोमोडेशन है तो फिर जो ऊपर हमने पढ़ा था वही हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। आप एक बार ICI की मॉड्यूल में दी हुई इलस्ट्रेशन ट्राई कीजिएगा, आपसे आराम से बन जाएंगे।